गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। तो बीएससी पार्ट सेकंड में प्लांट एनाटॉमी में आज हम देखेंगे ऑर्किड की रूट, ऑर्किड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए, अधिकांश जो ऑर्किड होते हैं, अधिकांश ऑर्किड कैसे होते हैं, एपीफाइटिक होते हैं, ठीक है, एपीफाइट्स होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, अधिपादपी होते हैं, यानी दूसरे पादपों पर उगते हैं। सीधी सी बात यह है, दूसरे पादपों पर जो उगने वाले पादप हैं उनको एपीफाइट कहते हैं, अधिपादपी कहते हैं। शाखाओं पर अपना आवास बना लेते हैं और स्तंभ आधार भाग से इनके क्या है, विशिष्ट अपस्थानिक मूलें निकलती हैं। ये हवा में लटकी रहती हैं और हवा से क्या करती हैं, ये हवा से नमी को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। तो इनमें कौन सी रूट पाई जाती हैं, इनमें आर्द्रता ग्राही जड़ पाई जाती है, आर्द्रता ग्राही जड़ पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती हैं, स्तंभ के आधार पर, ठीक है, लटकी हुई अपस्थानिक जड़ें होती हैं। कौन सी जड़ें हैं, अपस्थानिक जड़ें, क्योंकि इनका विकास कहाँ से होता है, स्टेम से होता है। तो ये वायु से जल की आपूर्ति करती है पौधे को, वायु से नमी और आर्द्रता का अवशोषण करती है, ठीक है। तो वायु से नमी व आर्द्रता या जल का अवशोषण कर पादप को जल आपूर्ति करती, ठीक है। तो पादप को जल आपूर्ति कौन सी जड़ें करती हैं ऑर्किड में, आर्द्रता ग्राही रूट करती हैं, ठीक है। अब आर्द्रता अवशोषण के लिए, आर्द्रता अवशोषण के लिए जो है इनके अंदर, आर्द्रता अवशोषण के लिए इन जड़ों में विशिष्ट ऊतक पाया जाता है एक, ठीक है, विशिष्ट वेलामैन ऊतक पाया जाता है। कौन सा ऊतक, वेलामैन ऊतक पाया जाता है, ये याद रखना है। वेलामैन ऊतक जो है वो कहाँ होता है, ऑर्किड में होता है, ठीक है, या आर्द्रता ग्राही रूट्स में होता है। वेलामैन ऊतक पाया जाता है, ठीक है, ये किसका काम करता है, आर्द्रता अवशोषण का काम करता है। तो देखिए, ऑर्किड का पादप है और एपीफाइट है, तो क्या इसके अंदर प्राथमिक जड़ें, या हम ये कहें कि रेडिकल से निकलने वाली रूट नहीं बनती है, तो बनती है, लेकिन इनके अंदर इनके स्टेम से आर्द्रता ग्राही रूट निकलती हैं जो कि अपस्थानिक जड़ों में शामिल होते हैं। हम तो उसकी बात कर रहे हैं क्योंकि स्पेशल रूट है ये, और वैसे हम मोनोकोट और डाइकोट रूट के बारे में पढ़ चुके हैं, इनकी संरचना देख चुके हैं, लेकिन इसमें ये आर्द्रता ग्राही जड़ हैं जो कि आर्द्रता अवशोषण का काम करती हैं। वायु में जो नमी है, जल की मात्रा है, उसको क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं और पौधे को जल की आपूर्ति करती हैं, जिससे कि पौधा अपनी वृद्धि और विकास को कायम रख सके। आर्द्रता अवशोषण करने के लिए ये जो जड़ें हैं इनके अंदर एक विशेष प्रकार का ऊतक पाया जाता है, और उस ऊतक को हम क्या कहते हैं, इस विशेष ऊतक को वेलामैन ऊतक कहा जाता है। वेलामैन ऊतक के अंदर छोटे छोटे पोर्स जरूर होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो अवकाश हैं वो नहीं पाए जाते, यानी हम जिनको अंतराकोशिकीय स्थल कहते हैं, यानी बीच बीच में जो वायु के अवकाश होने होते हैं, क्योंकि स्टेम ऊपर वायवीय संरचना है, तो संभवतया हो सकता था कि उनके अंदर वायु अवकाश हो, लेकिन इनमें कोई वायु अवकाश नहीं पाया जाता है, ये आपको अभी मैं बताऊंगा। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको, आगे चलते हैं और इसकी संरचना बनाते हैं, आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है, ठीक है। सबसे पहले देखें हम, इसके अंदर एक पाई जाती है लिमिटिंग लेयर, ये इसकी लिमिटिंग लेयर है, ठीक है, जो अभी ऊपर जो मैंने एक लाइन सी बनाई है वो इसकी लिमिटिंग लेयर है, और इसके ठीक नीचे की तरफ जो है, यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है इसको एक्सोडर्मिस कहते हैं, ये एक्सोडर्मिस है, ठीक है, ये एक्सोडर्मिस है, एंडोडर्मिस नहीं है ये एक्सोडर्मिस है, ठीक है। अब जो बीच का भाग आप देख रहे हैं ये वाला, इसके अंदर जो भाग है ये सारा क्या है, ये सारा जो है ये इसका क्या है, वेलामैन ऊतक है, ठीक है, इस प्रकार से ये इसका वेलामैन ऊतक है,
कोशिकाएं जो हैं इनके अंदर पास पास सटी हुई रहती हैं। इस प्रकार से ये वेलामेन उत्तक हो गया, ठीक है। इस प्रकार का उत्तक इसके अंदर पाया जाता है। इसके अंदर देखिए वेलामेन उत्तक में यहाँ पर ये इसका वेलामेन उत्तक है, ठीक है। ये एक्सोडर्मिस है और एक्सोडर्मिस में देखिए कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको पासेज सेल कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये कोशिका जो है इसको हम बना देते हैं पासेज सेल, थोड़ा सा इनको बाकियों को मोटा कर देंगे तो ये जो बची हुई कोशिकाएं होंगी वो कौन सी हो जाएंगी, पासेज सेल की हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गई इसकी पासेज सेल, यानी पासेज सेल का क्या काम होता है, जल का अंदर की ओर सेवन करना, अंदर की ओर भेजना जल को। एक्सोडर्मिस से ठीक नीचे वाला जो भाग है वो इसका कॉर्टेक्स रीजन कहलाता है, यानी ये इसका कॉर्टेक्स रीजन है। और इससे ठीक नीचे की तरफ जो भाग है ये देखिए, मैं कॉर्टेक्स रीजन में थोड़ा सा इसकी एक दो लेयर बना देता हूँ, बस इतना ही बनाऊँगा, बाकी ये यहाँ तक होती हो ये फैली हुई, क्योंकि नीचे हम उसका वैस्कुलर टिश्यू बनाएंगे तो हमें स्पेस चाहिए। और इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो इसका कॉर्टेक्स रीजन है वो होता तो यहाँ तक है, लेकिन इसको हम यहाँ तक ले आएंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास इस वैस्कुलर टिश्यू को समझने के लिए पर्याप्त जगह हो, ठीक है। तो ये इसका क्या है, इसके अंदर जो है कोशिकाएं इस प्रकार की पाई जाती हैं, जो कॉर्टेक्स रीजन है इसके अंदर अवकाश भी पाए जाते हैं, वायु चैम्बर भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये इसका क्या है, इसका कॉर्टेक्स रीजन है, ठीक है, ये इसका कॉर्टेक्स रीजन है, क्लियर। अब नीचे की तरफ जो आप गोला देख रहे हैं ये वास्तव में क्या है, ये है इसका वैस्कुलर टिश्यू भाग या वैस्कुलर सिस्टम भाग है। सबसे बाहर तो देखिए इसके अंदर होती है एंडोडर्मिस, और एक्सोडर्मिस की तरह एंडोडर्मिस में भी पासे सेल पाई जाती है, ये इसकी एंडोडर्मिस है, ठीक है। फिर आ जाती है इसमें पेरिसाइकिल, ये इसकी पेरिसाइकिल है, अंदर की तरफ जो है पेरिसाइकिल, ये है इसकी पेरिसाइकिल, ठीक है। दो भाग हो चुके हैं, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल। इसके बाद देखें हम इसका तीसरा भाग, तो तीसरा भाग जो है इसके अंदर आता है कॉर्टेक्स, सॉरी जो स्क्लेरेनकाइमेटस रीजन है वो वाला, और उसके साथ साथ जो इसका सिस्टम है इसको हम संयोजी उत्तक वाला भाग कहते हैं, वो पाया जाता है। बीच में मज्जा पाई जाती है, कैसे होती है देखिए, हम अगर ये कहें पहले कि इसके अंदर, पहले तो हम इसके डायग्राम ही बना रहे हैं, तो जो वैस्कुलर बंडल है वो बाह्य आदि दारूक होता है, यानी कि सेवन पुलों की संख्या जो है वो छः या ज़्यादा हो सकती है। तो हम देखिए पहले बनाएंगे सेवन पुल, तो एक दो ये तीन ये चार ये पाँच और ये छः, हमने छः बना लिए, ठीक है, छः बना लिए। तो अब इसके साथ साथ इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो भाग छोटे गोले जो बने हुए हैं ये इसका क्या है, प्रोटोजाइलम, ठीक है, ये इसका प्रोटोजाइलम, ये प्रोटोजाइलम है, क्लियर। प्रोटोजाइलम बन गया, एक एक प्रोटोजाइलम हटा देते हैं तो ताकि हमें थोड़ी सी एक चीज़ को समझने में हेल्प मिल जाए, तो बराबर दो दो ही बना देते हैं, ठीक है, पता तो चल ही गया कि ये क्या है। तो ये हो गए इसके प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम कहाँ है, बाहर की तरफ है, इसलिए एक्सार्क कंडीशन हो जाती है। और अब हम देखेंगे स्क्लेरेनकाइमेटस किस प्रकार से आबद्ध है, और उसके साथ साथ संयोजी उत्तक कहाँ है, और संयोजी उत्तक के साथ साथ मज्जा और इसका बाकी का भाग कहाँ। तो लहरदार, एक लहर सी पाई जाती है इसके अंदर, वो लहर क्या है अभी देखते हैं। देखिए मैं आपको जो है कोशिका का स्वरूप बना करके नहीं दिखा रहा हूँ,
सीधा ही एक लहर बना करके दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको पता लग जाएगा ये जो आप लहर सी देख रहे हैं, ये इसका स्क्लेरन काइमा वाला भाग है। संयोजी ऊतक वाला भाग दो भागों में विभक्त होता है, एक में मृदूतकी भाग है और एक में क्या है, स्क्लेरन काइमेटस कोशिकाएं हैं। तो ये स्क्लेरन काइमेटस कोशिकाएं हैं जो अभी आप देख रहे हैं बना हुआ ये वाला, इसके अंदर इस प्रकार से कोशिकाएँ होती हैं, एक्सागोनल सेल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। जो बाहर की ओर वाला ये वाला जो भाग है, ये इसका कौन सा भाग है, ये इसका संयोजी ऊतक मृदूतकीय होता है, ये मृदूतकीय भाग है, ठीक है, ये इसका मृदूतक भाग है। सारा नहीं बना रहा हूँ मैं, तो इसको हम लिख देते हैं एंडोर, इधर लिख देता हूँ, ये तो है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद आ जाती है पेरिसाइकिल, ये तो अच्छी तरह से आप पहले भी देख चुके हैं, और ये है स्क्लेरन काइमा। फिर आ जाता है ये होता है इसमें कनेक्टिव टिश्यू। फिर आ जाता है अंदर का भाग, तो ये इसका जो है छोटे गोले जो हैं प्रोटोजाइलम है, और बड़ा गोला जो है बीच में वो क्या है, मेटाजाइलम, ये मेटाजाइलम है, ठीक है। तो ये प्रोटोजाइलम हो गया और ये मेटाजाइलम हो गया। अभी भी इसमें कुछ बचा हुआ है क्या, तो फ्लोएम नहीं बनाया हमने, तो फ्लोएम का कौन सा भाग है, ये वाला जो है, यानी कि दो जाइलम के बीच में अल्टरनेट, क्योंकि अरीय प्रकार के वैस्कुलर बंडल होते हैं, ये मोनोकोट है ऑर्किड, इसलिए अरीय प्रकार के वैस्कुलर बंडल हैं, तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है, फ्लोएम हो जाता है, ठीक है। जाइलम आ गया, फ्लोएम आ गया, और बीच में क्या है, बीच में है मज्जा यानी कि पित्त भाग। तो ये इसको शॉर्ट में हमने समझ लिया है ऑर्किड की रूट को। किताब से आप देख लेना, किताब में आपको जो मैंने बताया है उसको डिटेल में आपको डायग्राम मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर चूँकि पर्याप्त जगह भी नहीं होती है, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, और इसको समझ लेना अच्छी तरह से, ठीक है। अब संरचना तो हमारे पास आ गई है, लेकिन इसकी कुछ मुख्य बातें वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वेलामेन ऊतक, ये लिख देता हूँ वेलामेन टिश्यू, और ये हो जाती है लिमिटिंग लेयर, ठीक है, और ये हो गया इसका कॉर्टेक्स। सारे भाग हो चुके हैं। पहले हम परिसीमन परत के बारे में देखेंगे। सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं उसको लिमिटिंग लेयर कहते हैं। आप ध्यान से डायग्राम की तरफ देखते रहिए और मैं जो बोलता हूँ उसको सुनते रहिए। डायग्राम में सबसे ऊपर की तरफ एक लाइन सी बनी हुई है, एक रेखा मैंने खींची हुई है, वो वास्तव में क्या है, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग लेयर, यानी कि परिसीमन परत। परिसीमन परत का मतलब है कि जो वायु मूल है, क्योंकि ये वायु मूल इसलिए कहलाती है क्योंकि ऊपर की तरफ होती है हवा में, वातावरण में, कहाँ है ये, ऊपर की तरफ अंडरग्राउंड नहीं है, ये वायवीय है। तो आर्द्रता ग्राही विशिष्ट ऊतक वेलामेन इनके अंदर पाया जाता है। ये देखिए आप देख सकते हैं वेलामेन ऊतक। तो वेलामेन ऊतक जो है वो सबसे बाहर का कोशिका स्तर है, यानी यहाँ से आगे ये वेलामेन ऊतक है, तो ये सबसे बाहर का कोशिका स्तर है, ये एक्सोडर्मिस है, ठीक है। अब जो बाहर का स्तर है उसका काम क्या है, तो देखिए जो बाहर की परिसीमन लेयर है वो एपिडर्मिस को क्या कर देती है, प्रतिस्थापित कर देती है। हम ये कह सकते हैं कि जो वेलामेन ऊतक है, वेलामेन ऊतक वास्तव में पहले क्या था, एपिडर्मिस था। एपिडर्मिस आगे वेलामेन ऊतक में बदल चुका है, कई परतों में विभाजित हो चुका है, और उसमें एक सबसे बाहर की ओर एक लाइन सी खींची हुई है, और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये इसकी सीमा को बनाती है, वेलामेन ऊतक की सीमा को बनाती है, ठीक है। इस लाइन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है,
तो पोर युक्त होती हैं, ये बाहर की तरफ होते हैं पोर, अंदर कोई स्पेस नहीं होता है, अंदर आपस में कोशिकाएं सघन रूप से व्यवस्थित होती हैं, सघनित होती हैं। तो मूलीय त्वचा को बताने का काम कौन करता है परिपक्व अवस्था में, ये लिमिटिंग लेयर करती है, इसे परिसीमन परत कहते हैं, जो कि इस वेलामेन ऊतक की सीमा का निर्धारण भी करती है। दूसरा आता है इसमें वेलामेन टिश्यू, ये है वेलामेन टिश्यू जिसे आर्द्रता ग्राही कुंठिका या फिर वेलामेन ऊतक भी कहते हैं, और ये कहाँ है, ये बाह्य परिसीमन परत के ठीक नीचे की तरफ है और 4 से 6 स्तरीय भाग इसका पाया जाता है। ध्यान रखने की बात है कि इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, निर्जीव होती हैं, इनकी कोशिका भित्तियाँ सरंध्र पोर युक्त होती हैं, यानी इनके रंध्र पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे रंध्र होते हैं, और अंतराकोशिकीय स्थल इनके अंदर होते नहीं हैं, आपस में ये एक दूसरे से काफ़ी सघनता से सटी हुई रहती हैं। और अब इनका काम क्या है, तो वेलामेन ऊतक जो है वो वातावरण से नमी के अवशोषण के लिए एक स्पंज की तरह काम करता है। जैसे आपने स्पंज देखा होगा तो स्पंज में छिद्र भी होते हैं बहुत सारे, तो वो स्पंज इस तरह से क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। स्पंज जो है उसी तरह से काम करने का, जो स्पंज है उसकी तरह काम कौन करता है, वेलामेन ऊतक करता है। वेलामेन का जो परिवर्धन है वो पेरीडर्म से होता है, और हम सब जानते हैं पेरीडर्म से एपिडर्मिस नाक बन करके क्या बन जाता है, वेलामेन ऊतक बन जाता है। तो अगर हम ये कहें कि वेलामेन ऊतक वास्तव में एक बहुस्तरीय एपिडर्मिस है तो गलत नहीं होगा, ये सही है, लेकिन इसको यहाँ वेलामेन ऊतक ही बोला जाता है। आगे चलते हैं एक्सोडर्मिस, एक्सोडर्मिस वेलामेन ऊतक के ठीक नीचे की तरफ और कॉर्टेक्स के सबसे बाहरी परत होती है, कॉर्टेक्स ये वाला भाग है और इसके बाहर की परत कौन सी है, ये एक्सोडर्मिस है और वेलामेन ऊतक से ठीक नीचे की परत है। दो प्रकार की कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाती हैं, कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, एक तो सामान्य कोशिकाएं और दूसरी पासेज सेल होती हैं। एक्सोडर्मिस की सामान्य कोशिकाओं पर कुछ स्थूलन पाए जाते हैं, जबकि जो पासेज सेल हैं वो जल के लिए मारक का काम करती हैं। फिर आता है कॉर्टेक्स भाग, तो कॉर्टेक्स वलकुट का सबसे बड़ा और चौड़ा क्षेत्र जो है ये वलकुट वाला ही भाग होता है इस ऊतक में या इस रूट में, और इसमें मृदूत की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये जो कोशिकाएं आप देख रहे हैं ये कैसी कोशिकाएं हैं, मृदूत की कोशिकाएं हैं, अंतराकोशिकीय स्थल पाए जाते हैं, और इनकी जो अंतिम भाग है, अंतिम परत है, ये जो अंदर वाली आप देख रहे हैं एंडोडर्मिस, ये वास्तव में कॉर्टेक्स रीजन की सबसे अंदर वाली परत होती है। एंडोडर्मिस जो है वो किसको परिबद्ध किए हुए रहती है, रंभ तंत्र को, ये स्टील सिस्टम है, स्टील सिस्टम को परिबद्ध किए हुए रहती है। संयोजी ऊतक जो हैं जाइलम और फ्लोएम 7 पुलों के मध्य पाए जाते हैं। यहाँ पर हम देखें एंडोडर्मिस के अंदर भी दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, जाइलम और फ्लोएम, ये जो एंडोडर्मिस है उसके अंदर पेरिसाइकिल है, और पेरिसाइकिल के अंदर देख सकते हैं आप जो दो प्रकार का ऊतक पाया जाता है, एक तो ये वाला है लहरदार रूप में, ये स्क्लेरल काइमा है, और ये बाहर वाला ये इसका है मृदूत की भाग, या दोनों है कौन से, ये पूरा है संयोजी ऊतक की, ठीक है। फिर बीच बीच में जाइलम और फ्लोएम अरिये होते हैं, अरिये का मतलब एक ही त्रिज्या पर नहीं होकर के अलग अलग त्रिज्या पर अलग अलग होते हैं जाइलम और फ्लोएम, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, इस तरह से ये भाग होते हैं, ठीक है, अल्टरनेट होते हैं। इस प्रकार का वैस्कुलर बंडल अरिये वैस्कुलर बंडल कहलाता है, और इसके अंदर जो जाइलम है वो कई हैं, 6, या हम ये कह सकते हैं कि जो वैस्कुलर बंडल है वो 6 या 6 से ज़्यादा हैं। तो इसमें कितने हैं, 6 हैं, तो 6 या 6 से ज़्यादा हो तो इनको हम रख सकते हैं बहुआधिदा रूप में। प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ हैं तो इसलिए कहलाते हैं एक्सार्क, यानी कि बाह्य आधिदा रूप अवस्था। फिर आ जाते हैं बीच में सेंटर में भाग, वो है मज्जा। तो देखिए मज्जा का जो है इसका भाग लगभग इसके अंदर अनुपस्थित होता है, जो सुविकसित मोनोकोट रूट होती हैं उसके मुकाबले इसके अंदर मज्जा कम मात्रा में होती है, ठीक है। तो ये इसके इम्पोर्टेंट भाग हम देख चुके हैं। आगे चलते हैं और पार्श्व मूलों की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं, पार्श्व मूलों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो ये हमने देख लिया है, इसको आप किताब से, नोट्स से, जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे आप अच्छी तरह से इसको देख लेना, इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं, प्रैक्टिकल में भी है। आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है,
पार्श्व मूलों की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ लेटरल रूट, पार्श्व मूलों की उत्पत्ति, ठीक है। पार्श्व मूलों की उत्पत्ति रंभ क्षेत्र के ऊतक से होती है। पहली बात तो ये है, किससे होती है? रंभ क्षेत्र के ऊतक से होती है, ठीक है। रंभ क्षेत्र कौन सा है? जाइलम और फ्लोएम, वैस्कुलर बंडल, टिश्यू वाला जो क्षेत्र है उसी को हम कहते हैं। तो पार्श्व मूलों की उत्पत्ति रंभ के क्षेत्र से होती है और अंतर्जात उत्पत्ति होती है। कौन सी होती है? अंतर्जात उत्पत्ति है। तो उत्पत्ति में कैसी हैं ये? अंतर्जात होती हैं, इंपॉर्टेंट है। आवर्तबीजी पादप जो होते हैं एंजियोस्पर्म, उनमें जो है उनकी उत्पत्ति परिरंभ से होती है और टेरिडोफाइट में ये होती हैं। देखिए एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में पार्श्व मूलें किससे बनती हैं? पेरिसाइकिल से बनती हैं, परिरंभ से बनती है, ठीक है। और टेरिडोफाइट में किससे बनती है? तो टेरिडोफाइटा में बनती है ये एंडोडर्मिस से, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। एंजियोस्पर्म में तो पार्श्व मूलें पेरिसाइकिल से बनती है, जबकि जो टेरिडोफाइट है उसमें ये बनती है एंडोडर्मिस से, ठीक है। पार्श्व मूलों की उत्पत्ति देखिए अलग अलग स्थानों से होती है। कैसे होती है देखें, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जब रंभ क्षेत्र के ऊतक जो है वहाँ से होती है, अंतर्जात होती है। एंजियोस्पर्म में पार्श्व मूलें पेरिसाइकिल से बनती है और टेरिडोफाइट में एंडोडर्मिस से बनती है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम देख लेते हैं, पहली बात तो ये कि इनकी उत्पत्ति अलग अलग प्रकार की होती है। कैसे होंगी देखें, जो डाई आर्क रूट है, क्योंकि रूट भी कई प्रकार की हैं, एक तो डाई आर्क है, ठीक है, द्वि आदि दारू, ठीक है, इसी तरह से ट्राई आर्क, फिर टेट्रा आर्क और फिर मल्टी या पोली आर्क, पोली आर्क लिख सकते हैं, पोली आर्क। इनका मतलब समझ लेते हैं पहले। डाई आर्क का मतलब है जब वैस्कुलर बंडल क्या हो, केवल दो ही, ठीक है, समझ में आ गई बात, यानी आधा भाग जाइलम का और आधा भाग फ्लोएम का, इस प्रकार से, या दो भाग फ्लोएम के दो भाग जाइलम के, ऐसे भी बता सकते हैं। मान लो कि ये तो जाइलम हो गया तो ये फ्लोएम हो गया, क्लियर। टेट्रा आर्क में जो है इसके अंदर जब पार्श्व पुल जो हैं जाइलम पुल चार या चार की संख्या में हो, त्रि आदि दारुक में तीन हो, पंच आदि दारुक में पाँच हो और बहु आदि दारुक में छः या छः से ज़्यादा हो, जो कि अभी हमने पढ़ा था पीछे, ये बात तो हो गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो ये पेरिसाइकिल है, एंडोडर्मिस नहीं बना रहा मैं, पेरिसाइकिल बना रहा हूँ, ठीक है। कौन कौन से प्रकार से हो सकती हैं? तो देखिए एक जाइलम और फ्लोएम का हम बना भी लेते हैं, एक ये तो पेरिसाइकिल हो गई, ठीक है, और ये मान लो हो गया है, एक में ही पता चल जाएगा, और ये इसका जाइलम हो गया और ये हो गया फ्लोएम, ठीक है, ये फ्लोएम हो गया, ये जाइलम हो गया, क्लियर। फिर आ जाएगा ये जाइलम, ये फ्लोएम, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए जो डाई आर्क रूट है उसमें किस प्रकार से होता है, तो डाई आर्क जो रूट है उनके अंदर पार्श्व मूलों की उत्पत्ति वो जाइलम और फ्लोएम पुल के मध्य बाहर की ओर स्थित परिरंभ से होती है, परिरंभ के भाग से होती है, जाइलम और बाहर की ओर स्थित परिरंभ के भाग से होती है, यानी कि ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ठीक है, इनके मध्य यानी कि यहाँ से होगी, ये रूट बनेगी इसके अंदर, ठीक है। त्रि आदि दारक में पार्श्व मूलों की उत्पत्ति परिरंभ के उस भाग से होती है, तो जो ट्राई आर्क जो है वहाँ पर किसमें होगी, ट्राई आर्क में जाइलम के सामने वाली जो पेरिसाइकिल की कोशिका है ये वाली, यहाँ से होगी, ठीक है, ये ट्राई आर्क हो जाएगा, ये ट्राई आर्क हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर ट्राई आर्क में और फिर बहु आदि दारक में पार्श्व मूलों की उत्पत्ति परिरंभ के उस भाग से होती है जो फ्लोएम पुलों के सामने, तो यानी जो
ट्राई टेट्रा और पोली आर्क है वो सब कहाँ से बनेंगी, यहाँ से बनेंगी इस प्रकार से, ठीक है। तो ये इनकी पार्श्व मूलों की उत्पत्ति है। तो बाकी का विद्यार्थियों कल पढ़ेंगे, आज के लिए बस इतना ही।